तो भैया 2024 में कंपनी ने लॉन्च किया है डिजायर कार, जो कि सिर्फ नाम का डिजायर रहेगा, क्योंकि यार दिखने में ये डिजायर लगती ही नहीं। सिर्फ इसमें अगर डिजायर हटा दिया जाए, जो डिजायर लिखा है ये हटा दिया जाए, तो कोई कहेगा नहीं कि ये डिजायर कार है, समझ रहे हो। इसमें सारा कुछ चेंज कर दिया, फ्रंट से लेकर बैक साइड तक सारा कुछ चेंज है, और इंटीरियर भी चेंज है, और इसमें सनरूफ भी कंपनी ने डाल के दिया है, और एलआईबी इसमें डाल के दे दिया कंपनी ने, सारा कुछ इसमें चेंज कर दिया है। जो कि यार इसमें दो कैमरे मिल जाएंगे, यानी कि एक आगे की साइड और एक पीछे की साइड इसमें कैमरा मिल जाएगा, और सनरूफ वगैरह इसमें डाल के दे दिया कंपनी ने, सारा कुछ इसमें कंपनी ने एकदम भर भर के फीचर दे दिया है। तो भैया यार इसकी आज मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूंगा, यानी कि ये जो डिजायर कार होती थी मारुति की, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही रद्दी होती थी। तो भैया यार आज मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि यार ये जो कार लॉन्च किया था कंपनी ने, यानी कि जो कार को लॉन्च किया है, तो इससे पहले इसकी टेस्ट वगैरह हुई, तो टेस्ट वगैरह में कैसे ये पास हुई कि नहीं हुई, और ये मतलब कि लड़ाई गई है, मतलब कंपनी में से टेस्ट किया है, तो भैया देखते हैं इसका टेस्ट वगैरह कैसा मिलता है आपको, यानी कि सारा कुछ हम दिखाते हैं वीडियो में, ठीक भाई। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना कुछ देरी किए। तो भैया मेरा नाम है कुंदन और मेरा चैनल देख रहे हैं कुंदन डीसी ब्लॉग। तो भैया चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना। तो भैया चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना कुछ देरी किए। तो भैया ये फर्स्ट टेस्ट है, जो कि ये देखिए ये सिल्वर कलर की गाड़ी है, जो कि ये सिल्वर कलर की कार रहने वाली, तो इसका टेस्ट हुआ। ये देखिए कुछ इस तरीके से स्लो मोशन में देखिए आप, ये देखिए कितना तगड़ा डैमेज हुआ। तो भैया कुछ इस तरीके से इसकी डैमेज हुई, ये देखिए एकदम हर तरीके से इसे डैमेज करके कंपनी ने देखा, ये देखिए। और एयरबैग वगैरह सारा कुछ इसमें तुरंत खुल जा रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए तुरंत एयरबैग वगैरह सारा कुछ खुल रहा फटाफट, ये देखिए। ये इन अंदर का दिखा रहे हैं, ये देखिए अंदर कुछ इस तरीके से अंदर का सीन रहने वाला है, ये देखिए कुछ इस तरीके से अंदर का ये सिस्टम रहने वाला है, ये देखिए एयरबैग तुरंत खुल रहे हैं भाई, ये देखिए हर एंगल से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो भाई यार अब दिखाते हैं इसके साइड से, ये देखिए साइड में कुछ इस तरीके से इसकी डैमेज हुई है, ये देखिए जब साइड से अगर कोई ठोकर लगती है यानी कि, तो कुछ इस तरीके से ये इसकी एयरबैग साइड में भी इसमें एयरबैग मिलेंगे यार भाई, समझ रहे हो। यानी कि साइड साइड में, यानी कि अगर राइट साइड एक्सीडेंट होता है आपका, तो भाई यार राइट साइड में भी आपको एयरबैग मिलेंगे आगे पीछे दोनों, ठीक है भाई। और अगर लेफ्ट साइड से अगर इसमें एक्सीडेंट आपका होता है, तो भैया उसमें भी लेफ्ट साइड से भी एयरबैग तुरंत खुल जाएंगे, यानी कि चारों तरफ आपको एयरबैग आपको मिल जाएंगे, ठीक भाई। इसमें इतना तगड़ा फ्यूचर मिलने वाला यार, एयरबैग भर भर के इसमें मिलने वाले, यानी कि जिधर से अगर आपकी कार डैमेज होगी तो उस तरफ आपको एयरबैग ज़रूर मिलेगा, समझ रहे हो। ये रेड कलर है, जो कि ये देखिए कुछ तरीके से डैमेज हो रही, देखिए भाई, यानी कि हर तरीके से इसे डैमेज करके देखा कंपनी ने, तो इसके एयर बैग जो हैं हर बार तुरंत खुल रहे हैं, समझ रहे हो। ये देखिए एयर बैग तुरंत खुल रहे हैं। तो भैया यार आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि यार कंपनी ने कितना ज़्यादा इस पर काम किया, इसके बिल्ड क्वालिटी को लेकर, समझ रहे हो। यानी कि बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा काम किया है कंपनी ने, अगर मॉडल डिज़ाइन भी चेंज किया तो भैया बिल्ड क्वालिटी भी इसमें बहुत ही अच्छी बना के दिया है, समझ रहे हो। यानी कि इसकी जो पहले जैसी बिल्ड क्वालिटी नहीं रहने वाली है, अब मारुति सुजुकी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, समझ रहे हो। यानी कि डिजायर को लॉन्च किया तो भैया डिजायर को ऐसे नहीं लॉन्च कर दिया भाई, हर तरीके से इसे टेस्ट किया उसके बाद ही लॉन्च किया। तो भैया इसे आप लेना चाहते कि नहीं लेना चाहते, एक चीज़ कमेंट जरूर करना, समझ रहे हो। यानी कि हमारे अकॉर्डिंग तो भाई हमारा तो यही रहने वाला यार कि हम, अगर हमसे कोई पूछे कि यार ये कार लेना बेहतर है कि नहीं, तो भाई यार मेरा तो ओपिनियन यही रहेगा, तो भाई इस कार को ले लीजिए। इस प्राइस रेंज में आपको कोई और कंपनी इतनी अच्छी कार देगा ही नहीं, समझ रहे हो। क्योंकि यार ये प्राइस के हिसाब से जो एक कार लॉन्च किया कंपनी ने, बहुत ही बेहतर है यार। कार तो पहले से भी आती थी ये डिजायर पर, ऐसी नहीं आती थी, आपको पता ही कैसी आती थी, पर अब जो कंपनी ने लॉन्च किया यार भाई यार मज़ा आ गया इसे देखकर। क्योंकि यार आगे भी डीआरएल, मतलब डीआरएल मिलते हैं आपको, एलईडी सेटअप मिलता है, पीछे की साइड पूरा एलईडी सेटअप मिलता है, और आगे कैमरा मिलता है, पीछे कैमरा मिलता है, सनरूफ मिलता है, बड़ी सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं। तो भैया इसकी रिव्यू वाली वीडियो बहुत जल्द बनाने वाले हैं, तो इंतज़ार कीजिए उस वाली वीडियो का। तो यार कंपनी ने इसमें 4 से लेकर 5 कलर ऑप्शन आपको दिए हैं, मतलब लॉन्च किया, तो 4 से लेकर 5 कलर आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो भैया कौन कौन कलर मिलेंगे सारा कुछ हम दूसरी वीडियो बनाएंगे, जो कि रिव्यू वाली रहेगी। तो भैया उस वाली वीडियो को मैं जल्द ही लाने वाला हूँ, बस आप लोग कमेंट कर देना भाई यार वीडियो जल्द से जल्द लाइए, बस एक आप लोग को एक कमेंट जरूर करना है, ठीक भाई। अब क्या कमेंट करना आप समझ लीजिए, अगर ये वीडियो कैसी लगी है आपको उसे अकॉर्डिंग आपको एक कमेंट करना प्यारा सा, ठीक भाई। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर देना अभी से ही, ठीक भाई। जल्द ही वीडियो लाने वाले हैं।